नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 नवंबर गुरुवार के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 17 नवंबर 2020 का यह दिन कैसा रहेगा, क्या बड़ी घटनाएं आज आपके साथ आपके जीवन में घटने वाली हैं, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, क्या क्या सावधानियां हैं जिनको बरतना आज आपके लिए जरूरी होगा, नौकरी करियर व्यापार पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी सेहत आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको यहां इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। देखिए, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर हम जानेंगे आज का ये दिन 17 दिसंबर 2020 आप लोगों के लिए क्या बड़े बदलाव लेकर आया है, आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे, सभी कुछ जानेंगे। आइए पहले जान लेते हैं आज क्या क्या ग्रह नक्षत्र हैं। 17 दिसंबर को शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, उत्तरषाढ़ नक्षत्र रहेगा, ध्रुव नाम का योग है जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। गुरुवार का ये दिन है, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे जबकि सूर्य धनु राशि में विराजमान रहेंगे। बात करें अगर आज के राहु काल के समय की तो ये समय होगा दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:03 तक का समय आपके लिए अशुभ है। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की तो ये समय होगा सुबह 12:00 से लेकर दोपहर 12:45 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज आपके लिए आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या बड़े बदलाव होंगे। देखिए, प्रत्येक दिन हर एक जैसा कभी नहीं होता, समय हमेशा बदलता रहता है। किसी दिन कोई दिन हमारे लिए अच्छा होता है तो कभी कोई दिन हमारे लिए बुरा होता है। किसी दिन हमारे सभी काम आसानी से पूरे होते हैं तो किसी दिन बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कभी कभी हमें आर्थिक लाभ होते हैं तो कभी आर्थिक हानि होती है। कभी हमें नुकसान हो जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है। कभी कभी हमारे घर परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहता है, चाहे प्रेम जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, हमें माहौल खुशनुमा बना रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब घर में ग्रह कलेश होते हैं, पति पत्नी में विवाद होते हैं। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है, एक सवाल है, इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी ग्रह नक्षत्रों में कोई ना कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है, जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, यानी कि कुछ चीज़ों में हमें सफलता मिलती है जबकि कुछ चीज़ों में हमें बुरे प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं। बुरे प्रभाव पड़ने के कारण हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो मित्रों, ग्रह नक्षत्रों का हर दिन बुरा प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है जबकि कुछ चीज़ों में हमें खुशखबरियां मिलती हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊंगा। इस उपाय को आज आप जरूर आजमाएं। मित्रों, कुछ सावधानियां भी हैं जिनको बरतना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। चलिए बात करते हैं आज का ये दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। सबसे पहले बात करेंगे यदि हम चंद्रमा की स्थिति की, तो देखिए चंद्रमा की स्थिति यहाँ आपको बेहद प्रभावी बनाएगी। चंद्रमा आज आपके लग्न में आपके पराक्रम के भाव में विराजमान हैं, जो आपको थोड़ा क्रोधी भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आपके अंदर हो सकता है, लेकिन ये स्थिति आपको प्रभावी भी बनाएगी और आपके लिए किसी वाहन के प्राप्त होने का योग भी आज बन रहा है। मित्रों, चंद्रमा की स्थिति आप लोगों के लिए बेहद शुभ होगी। इसके अलावा इस राशि के जो जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, देखिए उन्हें सरकार की तरफ से आज कुछ अच्छी सौगात मिल सकती है और करियर के लिहाज से देखा जाए तो आज का ये दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बस आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, थोड़ा अहम को आपको कंट्रोल करना होगा तो सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहेगा, आपके पक्ष में होगा। साथ ही आज आपको कुछ थोड़ी थोड़ी सावधानियां भी
जरूर रखनी है जिसके अनुसार आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, इस समय अपने विरोधियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आपके विरोधी आपकी राह में अड़चने डालने का काम कर सकते हैं। तुला राशि के ज़्यादातर शत्रु बहुत अधिक होते हैं, विरोधी सबसे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर आपके अपने ही आपकी जड़ें काटते हैं, तो इसलिए आप हर परिस्थिति में उनसे आगे निकलते हुए आज नजर आएंगे। आज शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त करेंगे, हालांकि परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आप इन परेशानियों को पार कर लेंगे। आप अपने बलबूते हर परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। आपके कार्यक्षेत्र के संबंध में कुछ इधर उधर आपको जाना भी पड़ सकता है, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। बाकी व्यापारियों के लिए भी आज का ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। जो जातक विदेशी व्यापार करते हैं तो उनको विदेशी माध्यमों से अच्छे लाभ के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जीवन साथी भी अगर काम करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, तो देखिए आज उनको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो व्यापार है उसमें भी लाभ होगा। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए अब आपके साथी का सहयोग आपको बहुत ही ज़रूरी होगा, और उनके सहयोग से आज आप उस काम को पूरा भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आज ये जो योग आपके लिए बन रहे हैं तो ये आपके जीवन साथी के लिए ही बनने वाले हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे बड़े निवेश करने से इस समय आपको बचना है, क्योंकि आज आपके लिए कुछ धनहानि के भी योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो मित्रों, वीडियो के अंत में जो मैं उपाय बताऊँगा, इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा, आपको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी, और कुछ सावधानियां भी बरतें। अभी आप कोई बड़ा निवेश करने के बारे में विचार बिल्कुल भी ना करें, छोटे छोटे निवेश आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। इसके अलावा देखिए, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आज शनि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको धन प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर खर्चे भी होंगे, कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने के भी एक तरफ पर बल योग बन रहे हैं, लेकिन ये खर्चों में आपके ये खर्चे जब आपके बढ़ेंगे तो उन खर्चों पर अगर आप नियंत्रण बना कर रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे, तो बड़े अच्छे से आप अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि खर्चे बढ़ने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जितना आप कमाएंगे उससे आप साथ के साथ खर्च भी करते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति नीचे आ जाएगी, इसलिए खर्चों से निजात आपको पाना होगा, तो समय आपको काफ़ी कुछ देकर जा सकता है। इसके अलावा जो जातक साझेदारी में व्यापार करते हैं उनको भी अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, ऐसा ये समय होगा। ये आपके लिए कुछ ऐसे मौके खोलेगा जिन विकल्पों का पता लगाने में आज आप सक्षम भी होंगे, और तुला राशि के जो लोग हैं उनके दरवाजे पर अवसरों की दस्तक देने वाला ये समय होगा। बड़े बड़े अवसर आज आपके हाथ लगेंगे, जिनका भरपूर लाभ आपको उठाना है, इसलिए आपको तेज़ी से काम करने के लिए तैयार रहना है, निर्णय लेने के लिए तैयार रहना है। यदि आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ काम करते हैं तो देखिए आज का ये दिन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट लेकर आएगा। आज आप अपने काम पर अपने सहयोगियों, अपने सहकर्मियों के विचारों को सुनने के इच्छुक भी होंगे और अपनी योजनाओं को तेज़ी से पूरा भी करते नजर आएंगे। दोस्तों, कार्यक्षेत्र के लिए आज का ये दिन बेहद ख़ास है। यदि पिछले समय से कोई काम आपका रुका हुआ था तो अब अचानक से वो काम तेज़ी पकड़ सकता है, ऐसा ये समय होगा। और जो जातक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो देखिए उनको भी आज आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे और अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में आप विचार बना सकते हैं, क्योंकि शेयर खरीदने और बेचने का समय आज थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए यहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके बजाय संपत्ति को निवेश विकल्प के रूप में देखें तो आज आपके लिए उचित होगा, आज आप भारी लाभ अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये दिन आर्थिक स्थिति के लिए बेहद खास बना हुआ है, बस आपको इसका लाभ उठाना है। बात करें प्रेम जीवन की तो चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अनुकूल होगी। आज आपके बीच जो बॉन्डिंग है आपके पार्टनर के बीच, वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन साथी के साथ विचारों का आदान प्रदान काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आपका कम्युनिकेशन के द्वार अच्छा एक दूसरे को बेहतर और तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन देखिए, स्थिति आज आपको मीठी मीठी बातें करने वाली बनाएगी, तो थोड़ी सी सावधानी आपको फिर भी यहाँ रखनी होगी। अपने साथी के पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसी बीच आपका रिश्ता भी मजबूत होगा, जिसे देखकर आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए बना है।
इस समय आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रगणता आएगी। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा 5 वर्ष से कम उम्र की कन्या को गुड़ का दान करें। रात के समय काले कुत्ते की सेवा करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।